ये मोदी जी आए क्या? ठीक है सर, ओके ओके। अरे भाई ये देखो सर, गोल घूम के जाना है क्या? कहाँ से जाए? वहां से। और मेरी हालत देखिए। When I turn up, you get going. At every stop, baby, oh, it's showing. If I should stay, you find a reason to leave. When I'm busy, that's the time you are free. Just tell me, what should I do? Okay, सारा सामान चेक, ऑल सेट। और मैं निकल रहा हूँ फ्रॉम पूरी उड़ीसा। दो दिन यहाँ पे मैंने स्टे किया, बहुत अच्छा लगा और स्पेशली जगन्नाथ जी के दर्शन किए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। राइट नाउ इट इज 6:30। अभी मैं निकल रहा हूँ टूवर्ड्स छत्तीसगढ़। फर्स्ट टाइम लाइफ में छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये रूट भी मेरे लिए नया है, तो कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस। स्वागत आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। वेलकम टू दिस एपिक ओडिशा राइड फ्रॉम मुंबई, प्रोटेक्टेड बाय राइडा गियर्स। बढ़िया सा स्टे था मेरा होटल में, रूम बड़ी कोजी थी और पार्किंग सबसे ज्यादा सॉर्टेड थी। अराउंड 1600 रुपए एक दिन का मुझे पड़ा है। थोड़ा एक्सपेंसिव आया ना, लेकिन अभी कैसे प्रायोरिटी भी होती है कि पार्किंग अपने को अच्छी चाहिए और दो दिन रुकना है, उस हिसाब से मैंने सोचा छोड़ो यार, अभी क्या कर सकते हैं, चलो निकलते। ओके, सो अपना हैदराबाद ऑल क्लीन। तो यहीं पे सर्विस सेंटर देखो, बस वहीं से क्लीन करके पूरा चेन भी प्रॉपरली टाइट कर लिए, सॉर्टेड। क्या दूं पैसा? ये क्या बात हुई भाई। 620 किलोमीटर फॉर रायपुर, संबलपुर के थ्रू रास्ता जाएगा, तो पहली बार ये रूट में कर रहा हूँ, मजा आएगा। और अभी तो क्लाउड्स नहीं है, लेकिन वहाँ क्लाउड्स है, देखते हैं। ठीक है, चलो मुझे किसी का मूड ख़राब नहीं करना है। 20 रुपये दे के देखता हूँ। 20 रुपये का भी बहुत वैल्यू है यार, समझ में नहीं आता कि क्या ही चाहिए लोगों को, और 20 रुपये में यार ब्रेकफास्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, चलो जय जगन्नाथ। ये जाएगा संबलपुर के थ्रू भुवनेश्वर, तो अभी भुवनेश्वर शायद मुझे क्रॉस करना पड़े। अरे पूरी इज अ ब्यूटीफुल सिटी यार, बहुत ही बढ़िया सिटी है। खाना अलग ही है, लोग भी अच्छे हैं, और श्री जगन्नाथ जी का मंदिर तो वाह। फिर यहाँ पे टूर भी होते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स के बहुत सारे आउटलेट्स हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक अराउंड 3000 रुपये के आसपास एक कार का लेंगे, फैमिली जा सकती है, और एक पूरे दिन का सब मंदिरों का टूर। और चिली का लेक का टूर आई थिंक 1800-1500 रुपये का कुछ है, वो आई थिंक आधे दिन का टूर है, उसमें बोटिंग भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे लोकल शॉप्स में मैंने ये जानकारी निकाली है, जस्ट ताकि आप लोग में से कोई प्लान कर रहे हो तो ये कर सकते हैं। और यहाँ पे ना भाई, आप आओगे जोमेटो पे का अगर ऑर्डर करोगे, जोमेटो स्विगी, तो काठी जंक्शन करके एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही बढ़िया खाना भाई इनका। मैं पनीर रोल मैंने 2 बार ऑर्डर किया है। वन लास्ट टाइम इन दिस ट्रिप जगन्नाथ जी के मंदिर को देख लेते हैं। कितनी अच्छी फीलिंग है, आप जब ये रोड पे आते हो और पहली बार मंदिर को देखते हो, फर्स्ट लुक गूज़बम्स आ जाएंगे। जय जगन्नाथ। चलो इसे बटन मार लेते हैं क्योंकि आगे बहुत भीड़ है। चलो लग गए पूरी भुवनेश्वर हाईवे पे, बोला गणपति बप्पा मोरिया। वैसे तो और बहुत सारी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, वैसे तो एक हफ्ता भी आपको लग जाएगा, तो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या क्या करना है, क्या आपकी प्रायोरिटी है। 605 किलोमीटर फॉर रायपुर, 12 घंटा ये बता रहा है। थैंक यू, विजिट अगेन, जरूर जरूर आएंगे वापस। यार ये पूरी भुवनेश्वर हाईवे तो बहुत ही प्यारा है। वैसे उसके आगे नागपुर ज़्यादा नहीं है, आई थिंक अराउंड रहेगा 200 किलोमीटर के आसपास। टाइम पे डिसाइड कर लेंगे कहाँ तक रुकना है, रायपुर तो है ही अपना फिक्स। ओके, रीच्ड भुवनेश्वर। अभी ये वाला कोई तो हाईवे मुझे पकड़ना है। एक तो बहुत भूख लगी यार, ब्रेकफास्ट करना है बहुत जल्दी, काव काव हो रहा है पेट में, और सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है, तो एनर्जी लेवल ही नहीं है, एकदम ऐसा डिम डिम चल रहा हूँ। कोलकाता ज़्यादा नहीं है यहाँ से, आई थिंक अराउंड 500-450 के आसपास होगा। आई विश में जा पाता, लेकिन वो एक अलग प्लान है, तो वो मैं अलग से कवर करूँगा। तो कटक शहर में आपका स्वागत है दोस्तों, फर्स्ट टाइम इन कटक। भुवनेश्वर कटक मतलब जैसे समझ लो मुंबई या ठाणे, मुंबई नवी मुंबई, ऐसे समझ लो साइड बाय साइड चिपक के। वैसे किसी ने तो मुझे एक वीडियो भेजा था रील, वो कोई तो फेमस फूड था कटक का ही, हाँ रणवीर ब्रार खा रहा था, वो कहाँ ढूंढू मैं, वो तो पता नहीं मुझे कहाँ मिलता है। वाटर रोड, क्या बात है, मरीन ड्राइव जैसा रोड है ये, इतनी बड़ी नदी का घाट है और ये रोड, सही, वाह क्या नज़ारा है बॉस। और यहाँ पे भी फॉर सम रीजन सैंड, बीच टाइप की सैंड है,
एंड अभी समुंदर तो काफी दूर है, देखो बीच में भी पूरा ऐसा सैंडी सैंडी बेसिन है पूरा रिवर का। इनफैक्ट दो तीन रिवर कटक से गुजरती है, तो ये देखो अभी अपन टर्न मार के एक और ब्रिज आएगा वहाँ पे, तो आई थिंक सब एक साथ मिक्स हो जाती है ऐसा कुछ होगा, तो फिर आगे समुंदर में। थोड़ा सा ज्योग्राफी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। आई होप आपको भी इंटरेस्ट डेवलप हो। ये देखो ये वाला ब्रिज, ये भी कितनी बड़ी है यार, आप रे खूबसूरती से भरपूर कटक की जमीन, आगे बढ़िया से पहाड़ दिख रहे हैं, बीच में देखिए आइलैंड। अगर कोई वहां फंस गया तो बाहर आना बड़ा मुश्किल होगा। तो बढ़िया है जी, बढ़िया है। तो भूख लगी है पाजी, किधर खाऊं? फिर बाद में रिग्रेट करोगे कि पीछे ही खा लेना चाहिए था। सुनते नहीं हो यार तुम। एक और नदी, क्या चल रहा है? ओके, तो यहाँ से क्या है ना, छोटे छोटे गांव क्रॉस कर रहा हूँ। तो ये जो रूट दिया है गूगल मैप्स ने, ये भाई ये पूरा सिंगल ही है मुझे लगता है, टिल संबलपुर आई थिंक। अरे ऐसा स्पीड से नहीं पहुंच पाएंगे भाई। चलो भाई यहाँ पे खा लेते हैं बस, अब बहुत हो गया। क्या दही भला भरा? चलो तो भैया बोल रहे दही भला खा लो तो खा लेंगे। आई थिंक उसे थोड़ा ठंडी भी मिलेगी ना बॉडी को। अरे बहुत ज्यादा हो गया वो, ठीक है। क्या बात, ये तो काफी हेवी लग रहा है गाइस। चलो खाता हूँ। अच्छा था दही भरा, बढ़िया था, कुछ यूनिक बढ़िया था यार। नाश्ता एकदम हेवी हो गया मस्त। बहुत सुस्ती आ रही है यार, बहुत सुस्ती आ रही है। चाय पी लेता हूँ, एक चाय दे दो एक। थोड़ी देर जैकेट भी निकाल देता हूँ, गर्म बहुत हो रहा है। ओके, तो मैंने अभी अभी चेक किया गूगल मैप्स पे, तो जो भैया बता रहे थे संबलपुर तक सिंगल रोड है, एक्चुअली नहीं, कटक संबलपुर हाईवे डबल हाईवे ऑलरेडी है और वो वहाँ से जाता है। अभी गूगल मैप्स ने यहाँ से डाल दिया, लेकिन ये आगे ज्वाइन होगा वो हाईवे को। भाई मैं तो टेंशन में आ गया था, 200 किलोमीटर ऐसा चलता रहा तो शाम तो इधर ही हो जाएगी अपने को। चलो अभी नींद आने नहीं देनी है, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, गाने सुनने पड़ेंगे, पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा दया। वैसे ये एरिया बढ़िया है, छोटे छोटे गांव है, हर 5 मिनट में गांव आ रहा है और काफी ग्रीन है, बहुत सारे पेड़ पौधे खेत बाग। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे उड़ीसा में जो देखने लायक होंगे और ज्यादा। हम तो ट्रिप करते रहते हैं ना, थोड़ी ना कि लास्ट बार उड़ीसा आ रहा हूँ, ये तो पहली बार है। अभी आगे जाके जब आऊंगा तब और चीजें एक्सप्लोर करेंगे। वैसे अपन आज ओडिशा के ईस्टर्न कोस्ट जो कोस्ट लाइन है वहां से पूरा ओडिशा क्रॉस कर रहे हैं एंड छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, वो भी इंटरनल रास्तों से। आई एम वेरी श्योर कि ये जो रूट है ये शायद ही किसी ने दिखाया होगा। ठीक है सर, हो गया। ओके सर, ये हाईवे डबल कब होगा? 15 किलोमीटर के आगे। अच्छा डबल हो जाएगा, अच्छा ओके ठीक, थैंक यू सर। चलो भाई अपनी बैग चेकिंग हो गई। मैं वही सोचूं पूरे ट्रिप में अब तक कैसा नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है ना, अभी इलेक्शन चल रहा है ना, तो पैसों का लेन देन तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सब चेक करते हैं। कैमरा भी था भाई उनके पास, तो बेसिक बीरोल्स ले लिए उन्होंने। चलो 15 किलोमीटर बाद बोल रहे डबल हाईवे है, बहुत बढ़िया। फोन गेटिंग हॉट यार, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि कार प्ले शुरू है इसकी वजह से फोन गर्म होता है, तो हाँ ये हो सकता है क्योंकि कार में भी होता है, बहुत लोगों ने बोला है। वैसे जितना मैंने देखा है इतना घूमा हूँ, बाइकर लोगों को पुलिस लोग यूजुअली कभी तकलीफ देते नहीं। हाँ एक दो बार हुआ है मेरे साथ, थोड़े पैसे निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन वो हार्डली 5% लोग, 5% पुलिस वाले, बाकी तो हम लोग को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। उनको पता है हमारे पास तो सब कुछ होगा ही, बिना डॉक्यूमेंट्स के तो हम घूमेंगे ही नहीं ऑब्वियसली। वैसे पहले मैं इरिटेट हो गया था, लेकिन आई एम एंजॉयिंग दिस रूट नाउ। कितना अलग अलग फील हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही अलग, लोग अलग, पूरा टेरेन अलग, फ्लोरा एंड फौना अलग, बढ़िया है यार। यहाँ पे छोटा सा डैम है शायद, देखो डैम की वॉल। और वह सफर का ही तो महत्व है ना, तुम्हारा सफर ही तो आपको बहुत कुछ सिखाता है। डेस्टिनेशन पे तो खैर हम कैसे भी पहुंच सकते हैं, फ्लाइट से ट्रेन से। आई होप आप सीरीज एंजॉय कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस प्लीज, लाल बटन, बस आपको लाल बटन दबाना है, दैट्स इट। बाकी कंटेंट के लिए आपका भाई तो मेहनत कर ही रहा है। ये देखो यहाँ पे भी पुलिस, देखो हर कार में चेकिंग हो रही है, हर कार में। बंटाला गांव में आपका स्वागत है दोस्तों, बंटाला। अरे अंकल टिक्कर पाड़ा लेफ्ट, संबलपुर स्ट्रीट। अरे नैना पाके ना उस तेरे मुखड़ा देखते रहना जी। वैसे मेरा साउथ इंडिया का जो ट्रिप का प्लान है, तो वो मेरा प्लान है विंटर्स में,
ऑलरेडी ट्रिप में हूँ, लगी पड़ी है और नेक्स्ट ट्रिप के बारे में प्लानिंग भी हो गई है। नेक्स्ट भी नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसे थोड़ी ना वॉन्डर सेन कहते हैं मुझे। घर से निकलते हुए 2040 किलोमीटर हो गए भाई और टोटल ओडो हो गए 4400 के आसपास। आई थिंक यहाँ से अभी डबल हाईवे शुरू, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी कर लो ना, फिर डबल हाईवे। नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम, क्या बात है। लेकिन आते से रॉन्ग साइड, मतलब एक चेतावनी है कि संभाल के चला ना यहाँ पे। बढ़िया यार, ये तो कॉन्क्रीट का है। चलो अब स्पीड होगी अपनी बढ़िया NH 55, संबलपुर स्ट्रेट। पेट्रोल भर लेते हैं, रेंज 43 बता रहा है, 366 किलोमीटर हो गए लास्ट फ्यूल ब्रेक के बाद, फुल। ओके, तो यहाँ पे पूरा हाईवे बनानी है, फ्लाईओवर है कुछ कुछ, उसमें काम चालू है, तो ये पूरा ऑफ रोड। भैया ठंडा पानी है क्या? अरे का है मुंह में बात कर रहे हो अबे, ठंडा पानी है? चलो ठीक है, बढ़िया। एक क्विकली ब्रेक ले लेता हूँ 5 मिनट। भाई यहाँ बन रहा है गरम गरम भजिया, और मेरे फोन का भी भजिया हो गया, इतना गरम हो गया फोन। नहीं वो कुछ मत डालो, बस खाली बस भजिया, उड़ीसा के गरम गरम भजे खाएंगे। और चिल्ड पानी की बोतल फ्रिज में रख दिया वापस, तो वो भर देंगे अपन अपने हाइड्रा पैक में। बहुत गर्मी है यार, देखो बेचारे इसकी हालत, पर मेरी हालत देखो। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखो ब्रोकन टारमैक का पूरा रोड है, खराब रोड है, और मैं 70, 75, 80 पे चल रहा हूँ। इस पे हाईवे कहाँ चला गया बे? बहुत ही वीरान एरिया है ये, एकदम छोटे छोटे गांव है, कुछ नहीं है। ये देखो दोनों साइड जंगल है, एकदम घना अच्छा खासा जंगल है बस। संबलपुर मोर 59 किलोमीटर। रात को तो यहाँ पे गलती से भी बताना, क्योंकि जंगल वंगल है और छोटे छोटे गांव है। नो हेल्प, बी अलर्ट एंड गो स्लो एनिमल क्रॉसिंग। तो उस पर एलिफेंट का एक ये इमेज है। इतना बड़ा हाईवे बनाने के लिए कितने पेड़ काटे होंगे, बाप रे। अरे भाई ये देखो, इज इट नॉर्मल? ये तो विली मार दिया। ये देखो भाई, इसके स्प्लेंडर का कलर, इसके बैक का कलर एग्जैक्ट सेम भाई, फैशन गोल्स। ये भी मेरा देख के थोड़ा फॉर्म में आ गया है, अच्छा मेंटेन किया भाई, नाइस ब्रो। जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ मेंटेन करता ना, उसकी एक अलग ही छवि बन जाती है मेरे दिमाग में, वो कनेक्ट बन जाता है, कनेक्ट। ओके, आ चुके हैं संबलपुर। संभल जाओ जरा, संभल जाओ, बहुत गर्मी है अभी। रायपुर बता रहा है 283 किलोमीटर। ओ वाव, क्या मस्त बना हाईवे, वाह। ओके, तो ये कौन सा हाईवे, इसको लग गए अपन। ओ माय गॉड, ये देखो क्या देख रहा हूँ मैं, मुंबई 1372 किलोमीटर। अरे संबलपुर, आता हा थोड़ा रहदारी वाला हाईवे दिसतो है, त्यामुळे आता टेंशन एवढं नाहीये। अरे दिल चाहता है, हो रहा है दिल चाहता है। ये देखो मालगाड़ी, स्लो है यार बहुत, और ये रहा डबल इंजन। अरे संभालो ना। ओके, यहाँ पे क्या नाकाबंदी चालू है क्या? अच्छा हुआ पैनियर्स नहीं है। भाई अब क्यों रोका है, सबको रोक के किधर भेज रहे हैं लोग? उधर का रोड लोगों को चलने के लिए रखा है। और मोदी जी आने वाले क्या भाई? मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मोदी जी भी वही जा रहे हैं। हाँ जी, CRPF, आई थिंक मोदी जी है आने वाले यहाँ। अरे भाई यू टर्न काहे को? अरे हाँ, मोदी जी का आवाज आ रहा है मुझे। सर गोल घूम के जाना है क्या? कहाँ से जाए? वहाँ से वहाँ से रोड है क्या? टोल के बाजू में मोदी जी का भाषण शुरू है भाई। आई थिंक मोदी जी आए यहाँ पे, इसलिए CRPF है। मोदी जी यहाँ भी आ गए? वहाँ जाने के लिए ऐसा रोड है ना? कहाँ जाएंगे? उधर ये रोड है। नहीं वो तो बंद है, वो वापस भेज रहे हैं। अब भी वापस भेजा, बोल रहे हैं। ए ओला ला रे, देख आखिरी बार बोल रहा हूँ। क्या मोदी जी आए क्या यहाँ पे? अच्छा भाई, मैं वैजावाड़ा गया, मोदी जी वहाँ थे, वाइजैक में भी कुछ 2 दिन पहले थे। सिक्योरिटी देखा भाई, हाईवे बंद। ये वाला रोड, अब इसको लग के मैं रायपुर डाल देता हूँ मैप्स में, हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ से स्ट्रेट हाईवे शुरू है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ओडिशा के ये ऐसे कंट्री रोड के गाँव के बीच में से जाऊँगा। चलो ये भी एक्सपीरियंस ही है भाई।
वे आगे से राइट और फिर हाईवे लग जाएगा। होपफुली ट्रैफिक ना हो, वहाँ पे लाल दिख रहा है यार। लो भाई यहाँ हाईवे पे तो पहुँच गया, लेकिन दोनों साइड से फुल भरा हुआ हाईवे। अभी कैसे निकलेंगे यहाँ से? लग गए 440 वोल्ट। चैनल का नाम क्या है? ये मोदी जी आए क्या? कभी आए? कब आए? 15 मिनट पहले। सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब 45 डिग्री में सब्सक्राइब करा रहे हूँ लोगों को। दोस्तों एडवेंचर बाइक का पूरा इस्तेमाल करके डिवाइडर के ऊपर चढ़ा के कूदा के हम आ गए सबसे पहले। अभी रोड मुझे पूरा खाली मिलेगा 100%, क्योंकि सब गाड़ियाँ पीछे फंसी हुई है और बहुत टाइम तक फंसी रहने वाली है। हार्डली फ्यू कार्स दिखेंगी बस। तो अभी भगाओ बस, आधा घंटा वेस्ट हुआ ना, उसको रिकवर करेंगे। ये राइड पे बादल और तूफान मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अपने घर पे भी बादल और तूफान है, यहाँ पे भी। ओके गाइस, ये देखो ये बॉर्डर चेक पोस्ट और इसका पूरा जो ट्रक का एरिया होता है, मतलब अभी बॉर्डर स्टार्ट होने वाली है। आगे देख सकते हैं बैरिकेड्स लगे, तो आई थिंक छत्तीसगढ़ स्टार्ट हो चुका है। क्या बात है रावत, वेल डन माय बॉय। रायपुर बस 150 किलोमीटर है, फटाफट 5 बजे तक रायपुर पहुंच जाता हूँ, मतलब मैं फिर आगे भी जा सकता हूँ इफ आई वॉन्ट। चलो देखते, चलो यहाँ पे क्विकली एक ब्रेक लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से जगह मिली है। वेलकम, स्वागत है आपका हाईवे नेशनल में। थैंक यू। छत्तीसगढ़ चालू हो गया ना? चलो बढ़िया। यहाँ पे फ्रूट सैलेड एक प्लेट खाया है ये भैया। हेलो गाइस, आप दिल्ली से हो ना? यस सर, हम दिल्ली से है, पहाड़गंज नई दिल्ली। लेकिन 400 किलोमीटर आज कर लिए हमने, अब 150 किलोमीटर रायपुर। ओके फाइनली पूरे ट्रिप में अब कहा राइडर्स दिखे है, क्या बात है, वेरी नाइस। नागपुर 418 ही है, पूरा गाड़ी डांस कर रही है, लाइंस करके रखे है, देखो क्या मस्त लग रही है यार। तो ये जो रेलवे लाइन है, ये अपनी अकोला वाली रेलवे लाइन है, मुंबई कोलकाता। तो नागपुर के बाद ये ऐसी जाती है टुवर्ड्स कोलकाता, और ये अपना हाईवे मुंबई कोलकाता, ये सीधा जाएगा अभी रायपुर, रायपुर से फिर नागपुर, नागपुर से फिर अमरावती अकोला, ऐसा। और यहाँ से हम आए ऐरावत। देखो बॉस, 500 किलोमीटर हो गए आज ऐरावत के। टचूड यार, मानना पड़ेगा गाड़ी का एंड्योरेंस अच्छा है, मतलब सोफार अराउंड 4500 ओडो हो गया है और ऑलमोस्ट सारा टूरिंग ही है, इसका एंड्योरेंस इज गुड सो फार। और मेरी हालत देखिए, सोच रहा हूँ रायपुर रुकने वाला था, लेकिन सोच रहा हूँ कि आगे बढ़ जाओ नागपुर की तरफ। यस, मैं जा रहा हूँ अकोला, तो ये वाले रूट से जा रहा हूँ अकोला, अकोला किसी कारण से जा रहा हूँ, और फिर वहां से मुंबई जाएंगे। तो सोच रहा हूँ कि नागपुर तक ट्राई करूँ, 300 किलोमीटर और नागपुर है, मे बी 8 बज जाएंगे, लेकिन दैट्स ओके आई थिंक। वेलकम टू रायपुर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये भाई तो पहली बार ही आ रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। काफी बड़ी सिटी लग रही है ये। ये देखो होटल एकदम टकाटक है इधर, क्या बिल्डिंग है बॉस, सच अ लवली सनसेट। वैसे भी 2-3 घंटे तो है अपने पास, इन केस अगर वर्स्ट केस नहीं मिला होटल तो 2 घंटे और मैं चला सकता हूँ। वैसे एपिसोड 1 में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे करेक्ट किया कि भाई हैदराबाद का जो रिंग रोड है उसका सर्विस रोड से आप जा सकते थे, ये मुझे पता नहीं था। थैंक यू सो मच गाइस। बहुत टाइम पास है रे बाबा, अपने यहाँ पे टूरिंग करते करते सिटीज क्रॉस करना, मतलब इतना टाइम पास है, कुछ रहा ही नहीं बाईपास का। जो बाईपास था उस पे शहर बन गया, अब नया बाईपास बनेगा तो वो डायरेक्टली एक्सप्रेसवे बनेगा। एक्सप्रेसवे बनेगा मतलब वहाँ पे कार अलाउड है, बाइक अलाउड नहीं, मतलब हम लोगों के लिए मुझे लगता है फॉरएवर ऐसे ही है सिटी के अंदर से जाने का। तो हमारी गाड़ी चली है पूरी से सुबह 6:30 बजे और अभी बजे है ऑलमोस्ट 7, 12 घंटे हो चुके हैं और रायपुर के बाहर हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए ढाबा, पनीर पराठा मंगाया गया है। कब से मुझे इतनी भूख लगी थी लेकिन कुछ मिला नहीं, होटल भी नहीं मिल रहा था यार। अभी देखते हैं आगे, अगर अच्छा मिल गया तो कर लेंगे, नहीं तो सीधा नागपुर चले जाएंगे। क्या बात है, ये तो मेरा डिनर ही हो जाएगा, पनीर पराठा सही है। आज थोड़ी सी नाइट राइडिंग होगी तो संभाल के करूँगा मैं, ये लाइट से इसीलिए मैं नाइट राइड कर रहा हूँ, नहीं तो भाई हिमालयन के स्टॉक लाइट्स पे तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी काम के नहीं है। इनफैक्ट कोई भी बाइक के स्टॉक लाइट्स इनफ नहीं है। फिर नागपुर पहुँचने के बाद डिसाइड करूँगा कि फिर क्या करना है। आपको तो पता ही है मेरा स्वभाव, नागपुर से अमरावती खाली 150 किलोमीटर है, कहाँ होटल करूँ, 1-1.5 घंटे का सफर है बस। अमरावती अगर कर लिया बॉस तो आज मेरा 1000 किलोमीटर हो जाएंगे फर्स्ट टाइम ऑन हिमालयन, 1000
और ये मैंने प्लान नहीं किया था बाय द वे, मैं जब निकला था तब मैंने रायपुर ही प्लान किया था। कभी भी मैं 1000 किलोमीटर राइड प्लान नहीं करता हूँ, अब हो जाती है क्योंकि मैं अर्ली पहुँच जाता हूँ या सिचुएशन वैसी होती है, तो डिपेंड करता है। ऑलराइट अटेंशन एवरीबॉडी, महाराष्ट्र बॉर्डर आ चुकी है। आज तो भाई साहब कहर कर दिया, ओडिशा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की नंबर प्लेट दिखना शुरू हो गया। देखो MH 35, क्या बात है, भंडारा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ भी मैं पहली बार आया हूँ इस ट्रिप में, काफी सारे लोकेशंस में पहली बार गया हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अमरावती कर लूंगा आज, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। वैसे इस पे एस्टिमेट टाइम है पर ये इससे फास्ट में हूँ। ओके ओके दोस्तों, एक और ब्रेक ले लिया यहाँ पे, नागपुर इज 50 किलोमीटर्स, और मुझे लगता है कि अभी मैं अमरावती ही जाऊंगा। होटल करो, ये करो, वो करो, नहीं करना है भाई, अमरावती जाऊंगा आराम से, घर पे सोऊंगा, फिर दोपहर को आराम से अकोला के लिए निकल जाऊंगा। नाइट राइड्स, आई एम नॉट प्रमोटिंग 1000 किलोमीटर्स अ डे, आपको तो पता ही है 1000 किलोमीटर्स मेरे बहुत बार हुए और बाय फ्लू की हुए है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, दैट मुझे ये करना है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने हिसाब से राइड करिए, दिन में ही राइड करिए। देखो भी मैं पूरे ट्रिप में बस आज राइड डाइट को राइड कर रहा हूँ, वो भी अभी महाराष्ट्र आ गया है, अपना एरिया आ गया है, तो बस चल रहा है, अपने गाने वाने सुन रहा हूँ मस्त, और शुरू है बढ़िया। अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, 5000 किलोमीटर ओडो हो गया ऐरावत का, बधाई हो, क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है, 5002 किलोमीटर। ओके आ गए नागपुर, बढ़िया टाइम। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, नागपुर के सस्पेंशन ब्रिज, नाइस, पहली बार मैं देख रहा हूँ, स्टेशन के ऊपर ही है ये, देखो नागपुर स्टेशन, और ये बढ़िया ब्रिज। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है मैं पूरी से अभी नागपुर में पहुंच गया हूँ। चलो अपना ऐरावत का नागपुर भी हो गया, और अकोला तो सेकंड टाइम हो रहा है इन वन एंड हाफ मंथ। सो ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर बाद लिया गया है ब्रेक ऐसे नागपुर में, आई थिंक अभी ये आखिरी ब्रेक होगा आज का, और 100-125 किलोमीटर है, मतलब अपना 1000 के ऊपर चला जाएगा बस। चलो 5 मिनट रुकता हूँ फिर निकलते हैं। ओके चलो, लास्ट फ्यूल स्टॉप ऑफ द डे, फुल कर फुल। चलो फाइनली अमरावती पहुंच ही गया, अभी मैं कह सकता हूँ कि मैं थक गया हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, और पता नहीं मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ। बस अभी घर जाऊंगा, नहाना है और खा के सो जाऊंगा, कल सुबह मुझे उठने की घाई नहीं है। अच्छा लगे वीडियो तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया तो, प्लीज़ वो लाल बटन है प्लीज़ उसको दबा दो। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी, और भी इसके एक दो एपिसोड्स और आएंगे। इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा, वहाँ पे लाइव अपडेट्स शुरू रहते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, भटकते रहिए। मैंने सोचा था घर जाके आपको फेस दिखाऊं, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है फेस दिखाने की, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। जय जगन्नाथ, वेल डन। ओके सो आपको फेस दिखाना मैं चाहता था, इसीलिए देखो फेस हालत खराब हो गई है, अब मेरी आंखें पूरी ऐसे ऐसी घूम रही है, बट ठीक है, दिखने में नॉट बैड, ऐसा इतना भी नहीं लग रहा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हाँ लग तो रहा है बॉस। चलो खाना खा के भाई सो जाता हूँ, डेड टायर्ड। When I turn up, you get going. At every stop, baby, oh, it's showing.